जानों पे यारो मुहाफिज हैं जो अपने हिंदुस्तान के जो जान दे के करते हैं सबकी हिफाजत, ये सब वीर सेनानी हैं धरती माँ के। मुझे नाज है ऐसी माओं पे यारो जिन्होंने गला अपनी ममता का घोटा, न थे उनकी आंखों में उस दम भी आंसू कफन जब तिरंगे का बेटे ने ओढ़ा। मुझे नाज है ऐसी बहनों पे यारो के सीमा पे जाते हैं जब उनके भाई, तो देकर के राखी की सौगंध उनको लगा कर तिलक करती है जो विदाई। मुझे नाज है ऐसी बीवी पे यारो जो देकर के बंदूक अपने पति को, दुआ करती है अपने परमात्मा से कि लड़ते हुए पहुंचे ये वीर गति को। मुझे नाज है ऐसे बच्चों पे यारो जो कहते हैं मम्मी ना तुम भूल जाना, तुम्हें मेरे पापा के प्राणों की सौगंध, मुझे भी वतन का सिपाही बनाना। तुम्हें मेरे पापा के प्राणों की सौगंध, शुक्रिया, मुझे भी वतन का सिपाही बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने पसंद किया इस छोटी सी नज़्म को, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए कता याद आया है मुझे अपने वतन पर, इस मुल्क हिंदुस्तान पर, कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे। अनवर साहब देखिए, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम वतन परस्त लोग, हम अपनी मातृभूमि से मोहब्बत करने वाले लोग, ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, और हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं दफन किए जाएंगे। शायर कह रहा है कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। मुल्क एक बार बटा बट गया लेकिन सुन लो, हम ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। क्या बात है, हम ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे, क्योंकि बहनों को रोता छोड़ के भाई चले गए, ओढ़े हुए बदन पे गरीबी चले गए, पैदा यहीं हुए हैं यहीं पर मरेंगे हम, वो और लोग थे जो कराची चले गए, वो और लोग थे जो कराची चले गए। लेकिन फिर कहना है कि तू ही मस्जिद में है और तू ही मंदिर में है, तू ही मस्जिद में है, तू ही मंदिर में है, तू ही मस्जिद में है, तू ही मंदिर में है। उस मालिको माबूद का जलवा हर जगह मौजूद है, बेशक मस्जिद हो या मंदिर, गिरजा हो या गुरुद्वारा, कायनात की हर शय में वो मौजूद है। इसीलिए तो कहना है क्या कि तू ही मस्जिद में है, तू ही मंदिर में है, तू ही मस्जिद में है, तू ही मंदिर में है, तू ही काबे में है, तू ही काशी में है, तू ही काबे में है, तू ही काशी में है, तू ही काबे में है, तू ही काशी में है, तू ही काबे में है, तू ही काशी में है, तू ही मस्जिद में है, तू ही मंदिर में है, तू ही काबे में है, तू ही काशी में है। तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा तेरा जलवा, तेरा जलवा तो सबको नजर आएगा, तेरा जलवा तो सबको नजर आएगा, तेरा जलवा तो सबको नजर आएगा। शर्त ये है अकीदा हो ईमान हो, तेरा जलवा तो सबको नजर आएगा, शर्त ये है अकीदा हो ईमान हो, तेरा जलवा तो सबको नजर आएगा, शर्त ये है अकीदा हो, तेरा जलवा तो सबको नजर आएगा, शर्त ये है अकीदा हो ईमान हो, तेरा जलवा तो सबको नजर आएगा, शर्त ये है अकीदा हो ईमान हो। लीजिए साहब एक शेर और पढ़ूंगा, बस एक मतला और तीन शेर, बस मैंने सोचा कि हमारे अनवर खान वारसी साहब ने जैसा माहौल बनाया अपनी स्पीच से, क्यों ना उसी माहौल को मैं थोड़ी देर और बनाए रखूं, और उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। वाकई आज हम फनकारों को भी
मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए स्टेज पर। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का जहां मिलन हो, जहां पर दोनों समुदाय के लोग हों, वहां इस तरह की कव्वाली पढ़नी चाहिए। ये जरूरत है हमारे इस वक्त के माहौल की। तो देखिए, एक आखिरी शेर में पढ़ रहा हूं और इस पर भी एक छोटी सी नज़्म पेश करूंगा, तवज्जो दीजिएगा कैसे। पराए दर्द को सीने में पाल कर देखो, पराए दर्द को सीने में पाल कर देखो, तुम अपनी आंख से आंसू निकाल कर देखो। देखो खिलौना जान के इंसान को तोड़ने वालों, बस एक लाश में तुम जान डाल कर देखो। खिलौना जानकर इंसान को तोड़ने वालों, बस एक लाश में तुम जान डाल कर देखो। इसीलिए कहना है क्या, मेरे मौला ये काविश की है आरजू, मेरे मौला ये काविश की है आरजू, मेरे मौला ये काविश की है आरजू, मेरे मौला ये काविश की है आरजू। यूं फरात और गंगा का संगम रहे, यूं फरात और गंगा का संगम रहे, यूं फरात और गंगा का संगम रहे। मैं अपने भाई मज्जन खां और कज्जन खां, रियाज भाई, शाहबुद्दीन भाई और कमेटी के तमाम जिम्मेदार लोगों से तवज्जो चाहता हूं, और साथ साथ अपने बड़े भाई अनवर खान वारसी साहब से भी। मेरे मौला ये काविश की है आरज़ू, मेरे मौला ये काविश की है आरज़ू, मेरे मौला ये काविश की है आरज़ू, मेरे मौला ये काविश की है आरज़ू। फरात और गंगा का संगम रहे, संगम रहे, एक ही हाथ में तेरी गीता रहे, एक ही हाथ में तेरी गीता रहे, एक ही हाथ में तेरी गीता रहे, एक ही हाथ में तेरा कुरान हो, एक ही हाथ में तेरी गीता रहे, एक ही हाथ में तेरा कुरान हो, एक ही हाथ में को बंद करूंगा। पिछले साल 14 फरवरी को हमारे पुलवामा में जो हमारे भारत के वीर जवान फौजी शहीद हुए, वो किसी के बेटे थे, किसी के शौहर थे, किसी के भाई थे। पूरा मुल्क उस वक्त उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था। मैंने भी उस वक्त एक ये नज्म लिखवाई अपने शायर से पुलवामा के शहीदों के लिए, वो मैं आज इस महफिल में पठानपुरवा में पेश कर रहा हूँ। और तवज्जो चाहता हूँ अपने मिश्रा जी से खास तरीके से, और रिंकू साहब से, और जो जो हमारे आसपास के गांव के जो प्रधान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जिला पंचायत सदस्य, उन सभी से तवज्जो चाहता हूँ। कैसे Thank you.
नाज है, मुझे नाज है उन जवानों पे यारो, मुहाफिज है जो अपने हिंदोस्तां के, मुझे नाज है उन जवानों पे यारो, मुहाफिज है जो अपने हिंदोस्तां के, जो जा दे के करते हैं सबकी हिफाजत, ये सब वीर सेनानी है धरती माँ के, ये सब वीर सेनानी है धरती माँ के, ये सब वीर सेनानी है धरती माँ के, मुझे नाज है उन जवानों पे यारो, मुहाफिज है जो अपने हिंदोस्तां के, मुझे नाज है उन जवानों पे यारो, मुहाफिज है जो अपने हिंदोस्तां के, जो जा देख के करते हैं सबकी हिफाजत, ये सब वीर सेनानी हैं धरती माँ के, मुझे नाज है ऐसी माओ पे यारो, जिन्होंने गला अपनी ममता का घोटा, न थे उनकी आंखों में उस दम भी आंसू, कफन जब तिरंगे का बेटे ने ओढ़ा, मुझे नाज है ऐसी बहनों पे यारो, के सीमा पे जाते हैं जब उनके भाई, तो दे करके राखी की सौगंध उनको लगा कर तिलक करती है जो विदाई, मुझे नाज है ऐसी बीवी पे यारो, जो दे करके बंदूक अपने पति को, दुआ करती है अपने परमात्मा से कि लड़ते हुए पहुंचे ये वीर गति को, मुझे नाज है ऐसे बच्चों पे यारो, जो कहते हैं मम्मी ना तुम भूल जाना, तुम्हें मेरे पापा के प्राणों की सौगंध, मुझे भी वतन का सिपाही बनाना, तुम्हें मेरे पापा के प्राणों की सौगंध, शुक्रिया, मुझे भी वतन का सिपाही बनाना, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने पसंद किया इस छोटी सी नज़्म को, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।